नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। मैं हूँ आपके साथ सोनी। महंगाई भत्ता और राहत में 3% की बढ़ोतरी के बाद देश के 25 करोड़ से ज्यादा केंद्र कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक और अच्छी खबर है जो सामने आ रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 8वें वेतन आयोग गठन को लेकर केंद्र सरकार बड़ा ऐलान कर सकती है। जी हाँ, और इस सिलसिले में आम बजट 2025 में प्रावधान का ऐलान भी कर सकती है। इसी बीच सरकारी संगठनों की ओर से 8वें वेतन आयोग की मांग लगातार जोर पकड़ती जा रही है। बता दें, सरकारी संगठनों का कहना है कि मौजूदा समय में देश का रेवेन्यू कलेक्शन अच्छा है और इस वित्तीय स्थिति से काफी बेहतर है। यानी कि इस समय जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, वो काफी ज्यादा बेहतर है। ऐसे में सरकार और इसके लिए जल्द ही ऐलान कर सकती है। सरकार को इसके ऐलान का कर्मचारियों को बेसब्री से इंतजार है। वहीं जानकारों के मुताबिक 8वें वेतन आयोग के गठन के सिलसिले में अब तक 2 से अधिक दौर की वार्ता भी हो चुकी है, जिसके बाद माना जा रहा है कि सरकार इस दिशा में जल्द ही कोई फैसला ले सकती है। आपको बता दें कि NCJCM ने जुलाई में तत्कालीन कैबिनेट सचिव से मिले, उसके बाद अगस्त 2024 में फिर से उन्होंने मांग उठाया और अब तक फिर से वेतन आयोग गठन की मांग उठ रही है। बता दें कि नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसोलिडेटिव मशीनरी यानी कि NCJCM के सचिव शिवगोपाल मिश्रा का कहना है कि महंगाई को देखते हुए फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी और 8वें वेतन आयोग का गठन बेहद ही जरूरी है। साथ उन्होंने यह भी कहा कि 8वें वेतन के गठन को लेकर पहले से ही देरी हो चुकी है। हर 10 वर्षों में आने वाले इस आयोग गठन यानी कि हर 10 वर्षों में इसका गठन लागू होता है और उसके बाद ही ये निर्धारित समय से पहले ही कर दिया जाता है, तो ऐसे में इसमें अब देरी भी हो रही है और लिहाजा केंद्र सरकार को जल्द से जल्द इसका ऐलान कर देना चाहिए। आपको बता दें, कर्मचारी संगठनों का कहना है कि वर्ष 2016 से लागू किए गए 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में तत्काल की मनमोहन सरकार ने किया था, जिसकी सिफारिशों को जनवरी 2016 से लागू किया गया। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो 7वां वेतन आयोग की सिफारिश को लागू हुए जनवरी 2026 में 10 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तो ऐसे में 8वें वेतन आयोग के गठन में भी काफी देरी हो रही, जिसे अब समय पर लागू कर देना चाहिए, इसमें अब बिल्कुल भी देरी ना हो। वहीं बता दें कि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-2025 में आम बजट से पहले सरकार आयोग के गठन को लेकर कोई फैसला ले सकती है। वही अगर 8वें वेतन आयोग में वेतन में बढ़ोतरी के लिए 7वें वेतन आयोग की तर्ज पर फिटमेंट फैक्टर को अपनाया जाता है तो इससे बेसिक सैलरी में खासी बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार वेतन आयोग का गठन न करके वर्तमान में भी वृद्धि के लिए कोई दूसरा फॉर्मूला भी निकाल सकती है, जिसमें महंगाई समेत अन्य पहलू पर भी फोकस किया जाएगा। बता दें कि इसमें न्यूनतम वेतन को बढ़ाए जाने का भी फैसला हो सकता है, जिस पर अंतिम फैसला अगले कुछ महीनों के अंदर होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि इसको लेकर अभी तक कोई ऑफिशियली तौर पर अनाउंसमेंट नहीं की गई है, लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं कहीं चल रही खबरों के मुताबिक उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार की तरफ से 8वां वेतन आयोग लागू करने का ड्राफ्ट 1 जनवरी 2026 तक तैयार हो सकता है। हालांकि केंद्र सरकार से, जैसा हमने अभी कहा, कि इसको लेकर कोई आधिकारिक तौर पर पुष्टि या कोई आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं की गई है। बता दें कि सरकार की तरफ से 8वां वेतन आयोग साल 2014 में लागू किया गया था। किसी भी आयोग की जो समय सीमा होती है, आपको बता दें, तो वो 10 साल की होती है और इस सिफारिश आयोग की तरफ से की जाती है कि कर्मचारियों को कितना वेतन मिलेगा, कौन कौन से उन्हें भत्ते मिलने चाहिए और रिटायरमेंट के बाद जो उनकी समय सीमा होती है वो पेंशन कितनी उन्हें मिलनी चाहिए। बता दें, मौजूदा समय में वेतन आयोग की समय सीमा खत्म होने पर ही ऐसा किया जाने की उम्मीद है। हालांकि आपको बता दें कि मोदी सरकार की तरफ से अभी तक 8वें वेतन आयोग को लेकर किसी भी प्रकार की कोई घोषणा नहीं की गई है और किसी भी आयोग के गठन के बाद उसे अपनी सिफारिशें तैयार करने में आमतौर पर उसे 12 से 18 महीने का समय लगता है और कर्मचारियों की सैलरी, अन्य वित्तीय लाभ और साथ ही समायोजन की सिफारिश पहले से ही आयोग की तरफ से इकोनॉमिक स्थिति को ध्यान में रखकर लिया जाता है। बता दें कि 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी संशोधन के बारे में कर्मचारी यूनियनों में 3.68 का फिटमेंट फैक्टर मांगा था, लेकिन उस समय सरकार ने फिटमेंट फैक्टर 2.57 पर समझौता किया था और पेंशन और सैलरी को तय करने के लिए फिटमेंट फैक्टर बहुत ही जरूरी होता है। 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर 6वें वेतन आयोग के न्यूनतम वेतन की तुलना में 7वें वेतन आयोग में यह बढ़कर 18,000 रुपये महीना हो गया। इसी तरह न्यूनतम पेंशन 3,500 रुपये से बढ़कर 9,000
2000 रुपए हो गई थी। तो वहीं अगर बता दें इसका अधिकतम वेतन तो 2,50,000 रुपए हो गया था, साथ ही इसका जो अधिकतम पेंशन है वो 1,25,000 रुपए हो गई थी। बता दें कि फाइनेंशियली एक्सप्रेस में प्रकाशित एक रिपोर्ट में ये उम्मीद जताई गई थी कि 8वां वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर 1.92 माना जाएगा, हालांकि इसके लिए किसी भी प्रकार की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।